नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। 5 अगस्त को जब अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया तो भारत के मुसलमान सोशल मीडिया पर जमकर भड़ास निकाल रहे थे। वह हिंदुओं का अपमान करने के लिए हर मर्यादा को लांग रहे थे, लेकिन हिंदुओं ने धैर्य का परिचय दिया और किसी भी प्रकार का प्रतिकार नहीं किया। भारत के अधिकतर मुसलमान भारत में इस्लाम का राज स्थापित करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है, उनकी मानसिकता अभी ऐसी हुई है। सदियों से मुसलमानों की मानसिकता अन्य धर्म और संप्रदायों को ध्वस्त करने का रहा है। हिंसक मुसलमान शासकों ने जब भारत पर आक्रमण किया तो हिंदुत्व को खत्म करने के लिए उन्होंने सबसे पहले हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया। क्रूर मुस्लिम शासकों ने भारत के हजारों मंदिरों को तोड़ा और उसके ऊपर मस्जिद का निर्माण कराया। ऐसा अनुमान है कि मुस्लिम आक्रांताओं ने हिंदू धर्म के कुल 40,000 से अधिक छोटे बड़े मंदिरों को तोड़ा था। राम मंदिर भी उनमें से एक था, लेकिन सदियों बाद हिंदुओं को उनका हक मिल गया है। अब वे निश्चिंत होकर अपने प्रभु राम की पूजा कर सकते हैं। राम मंदिर भूमि पूजन के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफ़ी भावुक नजर आ रहे थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज योगी आदित्यनाथ जिस गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं, उस गोरखनाथ मंदिर पर भी कभी मुसलमान शासकों ने आक्रमण कर उसे ध्वस्त कर दिया था। लेकिन आज गोरखनाथ मंदिर न सिर्फ पूर्वांचल बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की शान है। बात है 14वीं शताब्दी की। उस समय भारत में यानी इस देश में मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी राज किया करता था। अलाउद्दीन खिलजी अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात था। वह हिंदुओं को पूरी तरह दमन करने की मंशा रखता था। उसने कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा। इसी क्रम में उसने गोरखपुर में स्थित गोरखनाथ मंदिर को भी ध्वस्त करने की कोशिश की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने मंदिर को तोड़ दिया, लेकिन भक्तों की आस्था को वह तोड़ न सका। नाथ संप्रदाय से जुड़े साधु संत यहाँ निरंतर पूजा करते थे और गुरु गोरखनाथ को याद करते थे। इस घटना के वर्षों बाद 1658 में जब औरंगजेब ने दिल्ली की गद्दी संभाली तो उसने अन्य मुस्लिम शासकों की तुलना में हिंदुओं को समूल नष्ट करने की योजना बनाई। औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज़्यादा हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना हुआ। विरोध करने वालों का गला काट दिया जाता था, जिसको उर्दू में हलाल बोलते हैं। हिंदुत्व का समूल नाश करने के लिए औरंगजेब ने भारत में बचे मंदिरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसी क्रम में उसे जानकारी मिली कि गोरखनाथ मंदिर अभी नाथ योगियों के संरक्षण में है, तो औरंगजेब का खून खौल गया। उसने गोरखनाथ मंदिर को तोड़ने का तुरंत आदेश दे दिया। इसके बाद औरंगजेब के सैनिकों ने गोरखनाथ मंदिर पर धावा बोल दिया, मंदिर को नष्ट कर दिया गया। इस हमले में सैकड़ों नाथ योगियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। तमाम आक्रमण करने के बाद भी मुस्लिम शासक हिंदुत्व की नींव को हिला न सके, वे गोरखनाथ मंदिर की पहचान को मिटा न सके। सन 1707 में औरंगजेब के मरने के बाद नाथ योगी बुद्धनाथ जी ने 1708 में मंदिर के जीर्णोद्धार की जिम्मेदारी संभाली और 1723 तक एक नए मंदिर भवन का निर्माण कराया। समय बढ़ता गया, गोरखनाथ मंदिर की गाथा देश विदेशों में गूंजने लगी, लेकिन महंत दिग्विजयनाथ ने मंदिर को एक नया रूप प्रदान किया, जो चित्र आज नाथ योगियों के लिए गरिमा का विषय है। गोरखनाथ मंदिर आज अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। वक्त कितना बलवान होता है, जिस गोरखनाथ मंदिर को मुसलमान शासकों ने ध्वस्त कर दिया था, उसी मंदिर का महंत आज हिंदुत्व को उसकी खोई पहचान दिलाने में सफलता हासिल कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ही प्रभाव है कि आज प्रभु राम की नगर दीपों की रोशनी से अलग ही चमक बिखेरती है। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।